सिंगरौली पुलिस ने बैंक में फर्जी खाता खुलवाकर ईपीएफ धारकों के साथ धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी कई बड़े शहरों में वारदात को अंजाम भी दे चुका है। सिंगरौली में पुलिस ने ईपीएफ खाता धारकों को लाखों का चूना लगाने वाले सत्य प्रकाश सोनी को गिरफ्तार कर लिया है। नटवरलाल सत्य प्रकाश सोनी एक्सिस बैंक में मधुर पल्लवी के नाम से फर्जी खाता खोलकर इस धोखाधड़ी को अंजाम दे रहा था। आरोपी हैदराबाद, दिल्ली, नासिक, बनारस सहित कई शहरों में खाता धारकों को ठगी का शिकार बना चुका है। करीब 5 लोगों से 1 लाख से ज्यादा की ठगी कर चुका है। दरअसल जबलपुर क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त शेखर शर्मा ने कोतवाली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि अनिल कुमार प्रजापति ईपीएफओ खाता धारक के साथ धोखाधड़ी कर भविष्य निधि राशि निकाल ली गई है, जिसके बाद थाना प्रभारी अरुण पांडे ने एक्सिस बैंक अधिकारियों से मिलकर पहले तो मधुर पल्लवी के नाम के खाते को फ्रीज कर दिया और जब आरोपी मधुर पल्लवी का आधार कार्ड लेकर पहुंचा तब उसे घेराबंदी कर पकड़ लिया। पूछताछ करने पर आरोपी ने बताया कि उसने फर्जी आईडी कार्ड से खाता खुलवाया था और ऑनलाइन ईपीएफओ क्लेम पोर्टल पर कर्मचारी भविष्य निधि निकालने वाले लोगों से मोबाइल नंबर प्राप्त कर लेता था, जिसके बाद यूएन नंबर और पासवर्ड से उनके खातों से पैसे निकाल लेता था। फिलहाल ये नटवरलाल पुलिस की गिरफ्त में है। ये सत्य प्रकाश सोनी को गिरफ्तार किया गया है हमारी बेड़न पुलिस ने। इसमें मामला ये था कि इस व्यक्ति के द्वारा अपना फर्जी आधार कार्ड जनरेट करके एक्सिस बैंक में अपना अकाउंट खोला गया और फिर ईपीएफ अकाउंट की जो ऑनलाइन वेबसाइट होती है उसमें चेक करके लोगों की जानकारियां, लोगों की रिक्वेस्ट की जानकारी ली गई और इस तरह से 5 ईपीएफ खाता धारकों के पैसे इसके द्वारा ट्रैवल किए गए। हमारी पुलिस की सजगता और सतर्कता से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके द्वारा बनाया हुआ फर्जी आधार कार्ड, फर्जी बैंक अकाउंट और सारी चीजें सीज कर दी गई है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।